खबर इंदौर से आ रही है, जहां देर रात पब में पार्टी के दौरान युवती के साथ अभद्रता की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ड्रीम एक्सचेंज पब का बताया जा रहा है वीडियो। नशेड़ियों का गढ़ बना विजयनगर थाना क्षेत्र। विजयनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे कई सवालिया निशान। अधिक जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर ईस्ट भारत के ब्यूरो हेड भरत पाटिल इंदौर से जुड़ गए हैं। भरत, देर रात पब में पार्टी चल रही है और जिस तरीके का ये वीडियो सामने, उसमें मारापीटी भी देखी जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इसमें आपको? अब देखिए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये विजयनगर इलाके में मौजूद एक पब का है। लेकिन अगर हम सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि कमिश्नर प्रणाली भी लागू हो चुकी है और पुलिस काफी संवेदनशील है ऐसे मामलों में कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, और ऐसे में युवती के पास आसपास जिस तरह से वीडियो में लड़के नजर आ रहे हैं, इसमें 8 से 10 लड़कों के साथ युवती जो है वो नजर आ रही है, और उसमें किस तरह से युवती के साथ अभद्रता करते जो है युवक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करूं तो देर रात, अब क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका होने के बाद में कई पब बार और कई यहाँ पर कह सकते हैं कि शराबी रहिस जादों का यहाँ पर हमेशा जमावड़ा और डेरा बना रहता है, और इसी के चलते कई पब और जो है लेट नाइट चालू रहते हैं, और ऐसे में इस तरह की घटनाएं ये पहला मौका नहीं है कि देखी गई है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देखी गई है। कई पबों में विवाद, तोड़फोड़ और मारपीट जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि विजयनगर की अगर बात करें तो विजयनगर TI काफी संवेदनशील है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं महिला कितनी महफूज है, क्योंकि इंदौर को माना जाता है कि देर रात तक महिलाएं जो है जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाओं हो या परिवार के साथ आने जाने वाली है, या युवतियां जो ड्यूटी के दौरान देर रात लौटती है, वो महफूज है शहर में। लेकिन उसका दूसरा परिणाम, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएगी तो शहर की जनता में कहीं ना कहीं एक भय और डर का माहौल बना रहेगा। अब देखना होगा कि इस वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस जो है वो किस तरह के सख्त कदम उठाएगी, और ऐसे आगे दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो और पुलिस के ऊपर किसी तरह के सवाल ना खड़े हो, उसको लेकर के कितने सख्त कदम उठाए जाएंगे, ये इस अंदाजा लगाया जा सकता है आने वाले समय में कि पुलिस कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी। लेकिन इस तरह की जो वीडियो वायरल हुआ है, वाकई में एक चिंताजनक है, और इस तरह से महिलाएं महफूज नहीं है, और अगर इस तरह के पब और बार संचालित होते हैं और वहां पर किसी भी तरह किसी दिन एक कोई बड़ी घटना जो है वो सामने आ सकती है। फिलहाल ये वीडियो वायरल हुआ है, और ये वीडियो जिस इलाके का बताया जा रहा है, विजयनगर का किसी पब का वीडियो बताया जा रहा है, एक सांझ देनी अखबार ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल अब देखना होगा कि विजयनगर पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी भरत, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इंदौर से खबर बता रहे थे, जहां देर रात पब में पार्टी के दौरान युवती के साथ अभद्रता हुई है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। एक निजी पब का ये वीडियो बताया गया है। नशेड़ियों का गढ़ बन गया है विजयनगर थाना क्षेत्र। विजयनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब कई सवाल निशान खड़े हो गए हैं।